अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लक गम ट्री रियल स्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं और हमने एक सिलसिला शुरू किया है यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिवेलपमेंट इंफॉर्मेशन के हवाले से आपको अपडेट करते रहते हैं। और आज हम जिस सोसाइटी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, उस सोसाइटी का नाम है रुडन एनक्लेव। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग तो इस सोसाइटी के हवाले से काफ़ी कुछ जो है इसकी इन्फॉर्मेशन भी है और जानते भी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले इस सोसाइटी की लोकेशन की बात की जाए तो ये सोसाइटी बेसिकली मेन अड्याला रोड के ऊपर वाक़ है और इसका एक जो मेन एंट्रेंस होगी, तीन इसके गेट जो है ना वो आपके मेन अड्याला रोड के ऊपर होंगे और इसका जो सेकंड गेट है वो आपका चक्री रोड के ऊपर होगा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अपोजिट साइड बनती है। तो जो रावलपिंडी रिंग रोड है, रिंग रोड के भी दो डेजिग्नेटेड इंटरचेंज इस सोसाइटी को मिले हैं। अगर आप अड्याला रोड के ऊपर जा रहे हैं तो अड्याला जेल से एग्जैक्ट आपके 5 से 10 मिनट की ड्राइव है और जरार कैंप से 1 किलोमीटर पहले इसकी लोकेशन बनती है। तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन थी। फिर सोसाइटी के ओनर की बात की जाए तो इनके जो ओनर है वो रहीमुद्दीन नईम साहब हैं, तो ये वेल एक्सपीरियंस लोग हैं। और फिर इस सोसाइटी के प्लानिंग की बात की जाए तो इसकी प्लानिंग जो है नेस पार्क ने प्लानिंग की है, नेस पार्क एक जो बहुत अच्छा एक इदारा है, वेल रिप्यूटेड है। फिर उसके साथ ही रावलपिंडी रिंग रोड जो है उसकी भी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग जो है वो भी नेस्पा के पास है। फिर थर्ड नंबर पे इसकी अगर सोसाइटी में डेवलपर की बात की जाए तो किस सोसाइटी में डेवलपर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो रुडन एनक्लेव की जो मैनेजमेंट है इन्होंने डेवलपर जो चूज़ किया है वो पिंडी इस्लामाबाद इवन पाकिस्तान में बहुत अच्छा एक नाम रखता है, यूपीडीएल की अगर बात की जाए तो यूपीडीएल एक बड़ा खुद ब्रांड है। यूपीडीएल ने अगर इसके प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले इस्लामाबाद में जो गुलबर्ग इस्लामाबाद है वो इस सोसाइटी को इन्होंने डेवलप की है। फिर सोसाइटी की मैनेजमेंट की बात की जाए, सोसाइटी की मैनेजमेंट ने 24/7 जो है ना वो कस्टमर डिवेलपर के साथ जो है ना मुख्तलिफ टाइम में रबते में है और काफ़ी हद तक जो सोसाइटी की जो है ना लुक आफ्टर या जितने भी ये काम है ये खुद पर्सनली भी देख रही है मैनेजमेंट, और गए बगैर साइट के ऊपर ये जो है ना इवेंट्स भी करवा रहे हैं और उसके साथ साथ सोसाइटी जो है ना डेवलपमेंट के जो है ना प्रोसेस भी देख रही है। तो अगर डेवलपमेंट का स्टेटस देखा जाए तो सोसाइटी को अभी शुरू हुए तकरीबन को 1 साल मैक्सिमम हुआ है, तो इसकी डेवलपमेंट आप ऑन ग्राउंड देख सकते हैं कि किस तेज़ी के साथ मौके के ऊपर डिवेलपमेंट इसकी स्टार्ट हुई है। इवन एग्जैक्टिव ब्लॉक में मेन बुलेवार्ड काफ़ी हद तक इन्होंने कम्प्लीट कर लिया है, फिर 2 पार्क्स हैं, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें जो है ना ये साइट के ऊपर मौजूद हैं। तो मार्केट में एक अजीब सी र्यूमर चल रही है कि जी रावलपिंडी रिंग रोड जो है ना वो उसका जो है ना फंड्स रोक लिए गए हैं, रावलपिंडी रिंग रोड नहीं बनेगा, तो इसका जो है ना रुडन एनक्लेव के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और इवन के क्लाइंट जो है जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये एक किस्म की अजीब सी जो है ना मार्केट में र्यूमर्स और लोग जो है ना इस हवाले से ना लोगों को गाय बगाय वीडियोज़ बना के दिखा रहे हैं कि जी ये जो है ना बिल्कुल नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपको बताता चलो, सबसे पहली बात तो ये है कि सोसाइटी 32,000 कनाल के ऊपर है, तो ये रातों रात, तो पहले बात तो ये कि डेवलप नहीं होती। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं ये डिले होते रहते हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि आप किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को आप कहें कि जी ये हाउसिंग प्रोजेक्ट डेड है। हाँ, डेड इस सूरत में होता है कि अगर सोसाइटी आपकी फ्लॉप है, सोसाइटी आपके साथ जो कमिटेड टाइम दिया उसके ऊपर डिलीवर ना कर रही हो और सोसाइटी डिवेलपमेंट नहीं कर रही हो, तो ये एक चीज़ है जो सोसाइटी की तरफ से एक नेगेटिव पॉइंट है। देखें, आप मेरी बात पे भी ना जाएं, आप मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी ना जाएं, आप ख़ुद फिज़िकली विज़िट करें। जिन लोगों ने प्लॉट्स लिया हुआ है रुडन एनक्लेव के अंदर या लेना चाहते हैं तो फिज़िकली एक साइट के ऊपर विज़िट करें और सोसाइटी की डेवलपमेंट का स्टेटस चेक करें, लेवल चेक करें कि सोसाइटी किस हद तक कमिटेड है बिफोर टाइम डिलीवर करने के हवाले से। तो जहाँ तक ये बात है कि जी रिंग रोड अगर नहीं बनेगा तो इससे क्या हो जाएगा कि सोसाइटी का नुकसान होगा और रुडन एनक्लेव के जितना इन्वेस्टर डीलर है या इसके अलावा जो एंड यूज़र हैं उनके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डूब जाएगी। तो ये चीज़ें जो है ना एक र्यूमर्स होती है, टाइम लगता है, टाइम के बाद चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। देखें, आप सबसे पहले आप तो आप इस्लामाबाद पिंडी के लोगों को बताता चलो कि टॉप सिटी मुमताज़ सिटी का इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक नाम है और वहाँ पर इस टाइम 5 मरले का प्लाट जो है नॉन पोजेशन ऑलमोस्ट 75 लाख से लेके 80 लाख तक 5 मरले का प्लाट है नॉन डिवेलप। और अगर 10 मरला डिवेलप प्लाट की बात की जाए तो वहाँ पर इस टाइम जो 1 करोड़ 38-40 लाख से शुरू हो रहा है और ऑलमोस्ट कोई 2 करोड़ 1 करोड़ 85 लाख तक जो 10 मरला डेवलप पोजीशन प्लॉट जा रहे हैं। फिर कनाल की बात की जाए तो कनाल वहाँ पे टॉप सिटी के अंदर इस टाइम डेवलप पोजीशन 2.25 करोड़ से शुरू हो रहा है और 4 करोड़ 4.5 करोड़ पे जा रहा है। सेम लाइक मुमताज़ सिटी का भी ये सूरत हाल है। तो कहने का मकसद ये है कि आप
ये तो देख रहे हैं कि जी इसका करंट रेट टॉप सिटी का इस तक है, इन्वेस्टर को या एंड यूज़र को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इसको ये देखें कि इन लोगों ने सफ़र कितना किया है, वेट किया कितना किया है। तो जब ये एयरपोर्ट इधर बन रहा था, लोग कहते थे टॉप सिटी में प्लाट लेने, लोग कहते थे यार कहाँ पे एयरपोर्ट शिफ्ट होना है, कहाँ कश्मीर हाईवे आना है। तो देखें आज कश्मीर हाईवे भी वहाँ पर शिफ्ट जो ना क्रॉस कर रही है, एयरपोर्ट भी शिफ्ट हो चुके हैं, तो उसके रेट कितने किस तेज़ी के साथ जो ना वहाँ पर बढ़े हैं। तो आपको कहने का मकसद यह है कि आप लोगों की इस तरह की नेगेटिव र्यूमर्स के ऊपर ना जाएं, आप ऑन ग्राउंड जाके फिज़िकली देखें कि लोकेशन कहाँ पे बन रही है, इसकी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, मैनेजमेंट से मिलें और आप देन फैसला करें कि ये आपका अच्छी इन्वेस्टमेंट है या आप बुरी इन्वेस्टमेंट है या आप ऐसी जगह पर फंस रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं ये टेम्परेरी जो ना वो ब्लॉक होते हैं या रुक जाते हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि इससे जो एंड यूज़र हैं या क्लाइंट हैं, क्लाइंट हो गया या इसके अलावा इन्वेस्टर हो गया, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप खुदारा इन चीज़ों के ऊपर ना जाएं। जिन लोगों ने रुडन एनक्लेव के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो बहुत लकी हैं और अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे सोसाइटी को पे करते रहें, और इंशाल्लाह ये एक वक्त आएगा ये टॉप सिटी को भी क्रॉस करेगा। इसकी आप इस चीज़ों के हवाले से बेफिक्र हैं कि ये कोई ग्रुप नहीं ठीक या इसके ग्रुप की जो ना कोई इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो सर आप सबसे पहले तो इन चीज़ों को देखें कि इसके ग्रुप कौन सा है, उनकी डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, डेवलपर कौन है, प्लानिंग किसके पास है, ज़मीन है ऑन ग्राउंड नहीं है। देखें पहली बात ये ज़मीन इनके पास है, ग्रुप अच्छा है, डिलीवर करने वाले लोग हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात की जाए इसके डेवलपर की, डेवलपर आपका जो ना इस्लामाबाद पिंडी का नुमाया नाज डिवेलपर है। फिर उसके बाद आप डिवेलपमेंट स्टेटस ऑन वर्क ऑन ग्राउंड आप चेक करें तो इसकी डिवेलपमेंट डे नाइट लगी हुई है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी लोकेशन मेन मैटर करती है, लोकेशन लोकेशन। तो रुडन एनक्लेव की जैसी लोकेशन तो आपके किसी प्रोजेक्ट के पास नहीं है। इवन के रावलपिंडी रिंग रोड आज नहीं 6 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद भी या 3 साल बाद भी कंप्लीट होता है, तो जितना फ़ायदा रुडन एनक्लेव सोसाइटी को, इवन किसी एक सोसाइटी को भी नहीं है। 2 डेजिग्नेटेड इंटरचेंज आपको सोसाइटी में मिल रहे हैं, एक आपका अडयाला रोड के ऊपर इंटरचेंज है वो 0 किलोमीटर आपका रिंग रोड से है, दूसरा रुडन एनक्लेव से है, फिर चक्री रोड वाला आपका बिल्कुल 0 किलोमीटर है। तो कहने का मकसद है कि ये सोसाइटी अगर चक्री रोड से बात की जाए तो चक्री रोड के ऊपर आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक बड़ा नाम लोग ले रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी रोड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि उसके पास भी जब इन्होंने शुरू किया तो उनके पास क्या लोकेशन। स्मार्ट सिटी का जो मोटरवे के ऊपर रिसेंटली इसको इंटरचेंज का NOC मिला है, उसके बाद मार्केट में इसकी सूरत हाल देखें कि डे बाई डे इसके रेट और इसके प्रॉफिट मार्जिन क्या जा रहे हैं। उससे पहले जब ये प्रोजेक्ट 2017 एंड पर लॉन्च हुआ था कैपिटल स्मार्ट सिटी, तो लोग कहाँ से जाते थे, चक्री से विजिट करते, चक्री से होकर वापस आप जो है ना पिंडी सदक की तरफ जाते थे। तो देखें उस टाइम से लेके ऑनवर्ड ये चीज़ें रही मैनेज में, तो आज इनको इंटरचेंज मिला है जस्ट मोटरवे के ऊपर और उसकी मार्केट इतनी तेज़ हो गई है। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब रावलपिंडी रिंग रोड बन जाएगा और रुडन एनक्लेव की यही प्राइजेज रहेंगी, कभी भी नहीं। इसकी बहुत ज़्यादा प्राइजेज ऊपर जाएंगी और इन्वेस्टर है एंड यूज़र है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स हैं। फिर प्लस ये है कि रेट को कंपैरिजन किया, रेट्स उसके देखे, रेट बड़े मुनासिब हैं, 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कि इंटरचेंज के अलावा भी इसकी एक्सेस करना कितना आसान है, आप अगर बैरिया फेज़ 8 से जाते हैं, बैरिया फेज़ 8 से भी एक्सेस कर सकते हैं रुडन एनक्लेव को, अडयाला रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं, चक्री रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बाकी ये जो चीज़ें होती हैं टाइम के साथ चलती रहती हैं, तो आप किसी भी मार्केट में ऐसी र्यूमर्स के ऊपर ना जाएँ कि जी ये डेड प्रोजेक्ट है, ये इसमें जो ना लोगों का कोई इन्वेस्टमेंट डूब रही है, तो ऐसी हरगिज चीज़ नहीं है। आप फिज़िकली एक दफ़ा लोकेशन देखें, विजिट करें, डेवलपमेंट का स्टेटस चेक करें, देन अपना डिसाइड करें और अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो आप टाइम पे देते रहें सोसाइटी को और अपने प्लॉट को सिक्योर करें। तो अभी आपको बताते चलें कि सोसाइटी ने रिसेंटली एक जो ना नई प्रोडक्ट लॉन्च की है इसकी 14 मरला की, तो जिसकी टोटल प्राइस 35 लाख है और इसकी डाउन पेमेंट जो है 7 लाख रुपये है और इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है ना वो 51,041 रुपये है। तो साथ में अपना पेमेंट प्लान भी आपको अटैच कर रहा हूँ, इसको भी आप देख सकते हैं। तो बाकी ऑलरेडी जो इसकी प्रीवियस प्रोडक्ट हैं रुडन एनक्लेव की, चाहे 5 मरला है, 7 मरला है, 10 मरला है, कनाल है, इवन आपके कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनको भी आप देखें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी माइनस में चल रही है, सब चीज़ें प्रॉफिट के ऊपर हैं। देखें टॉप सिटी के अंदर इस टाइम 4 मरले का जो कमर्शियल है उसका रेट मिनिमम 4,75,00,000 से शुरू हो रहा है और 6 करोड़ तक जा रहा है 4 मरला कमर्शियल टॉप सिटी के अंदर। तो रुडन एनक्लेव के अंदर अभी रिसेंटली अभी 1 साल भी नहीं हुआ, कोई एक प्रोडक्ट नहीं आपकी कमर्शियल की जो आपकी 10-15 लाख रुपए प्रॉफिट से कम में हो। तो आप इस सोसाइटी की देखें कि आने वाले 5 साल के बाद इस सोसाइटी की क्या वर्थ होगी और इसमें जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो किस हद तक प्रॉफिट मार्जिन कमाएंगे।
तो ये जो 14 मरले की मैंने आपको प्रोडक्ट बताई है, ये जो ना कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस इसमें शामिल नहीं है, डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी बाद में डिसाइड करेगी। तो जिन लोगों ने मतलब आप मजीद को बुकिंग करवाना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ और अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।